अनामम के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। सौंदर्य प्रसाधनों के विज्ञापनों में चमकते दमकते चेहरे देखकर हम भी यह सोचते हैं कि काश हमारी भी त्वचा ऐसी खूबसूरत और जवान दिखे, और ऐसा दिखने के लिए न जाने कौन कौन से तरीके आजमाना शुरू कर देते हैं। कभी एलोवेरा का लेप, कभी दूध मलाई का लेप, और जाने क्या क्या, लेकिन फिर भी हमें पूर्ण संतुष्टि नहीं मिलती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये कील, मुहासे, स्किन की प्रॉब्लम्स, धब्बे, ये किस लिए होते हैं? यह सब तो हमारी बिगड़ती लाइफस्टाइल की निशानी है, और शरीर इसको जाहिर करता है इन स्किन की प्रॉब्लम्स के द्वारा। शरीर आपको बताता है कि आप बीमारियों का घर बनते जा रहे हैं। कभी बिगड़ते हुए पाचन की समस्या, कभी कब्जियत, कभी स्ट्रेस, कभी हाइपरटेंशन, असंतुलित खान पान, इस रोग की जड़ है। तो हमें बाहरी दिखावा ना करते हुए अंदर से इन सभी समस्याओं का इलाज करना है। योग एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा हम अपनी पांचों ज्ञान इंद्रियों को सुदृढ़ बना सकते हैं, और खासकर त्वचा को। तो आइए जानते हैं वो कौन से योग अभ्यास हैं जिनके द्वारा हम अपनी स्किन को तरोताजा और चमकती दमकती बना सकते हैं। ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, हस्त उत्तानासन, पाद हस्तासन, मार्जरी आसन, अर्धमत्स्येन्द्र आसन, गोमुखासन, चतुरंग दंडासन, सर्वांगासन, हलासन, सेतुबंधासन, बालासन, सुप्त वज्रासन, बद्धकोणासन, तितलियासन, इन आसनों के साथ साथ सूर्य नमस्कार बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। सूर्य नमस्कार सांस के साथ अवश्य ही करें। सूर्य नमस्कार के लिए आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। प्राणायाम में कपालभाति, भस्त्रिका, नाड़ी शोधन और भ्रामरी का अभ्यास बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इन सब का अभ्यास आप अवश्य ही करें। साथ ही साथ योग निद्रा का अभ्यास करें। योग निद्रा से आपकी जो टूटी हुई सेल्स हैं उनकी रीबिल्डिंग बहुत ही जल्दी शुरू होती है, और बहुत अच्छे से बॉडी का मेटाबॉलिज्म काम भी करता है। इसलिए योग निद्रा का अवश्य ही अभ्यास करें। योग निद्रा की एक कंप्लीट वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी। इन सब के अलावा कुछ स्पेशल टिप्स, ढेर सारा पानी पिएं, ताज़े फल सब्जियां खाएं, विटामिन सी के स्रोत का कंजम्पशन ज़्यादा करें, पपीता अवश्य ही खाएं। पपीता स्किन के लिए तो फ़ायदेमंद है ही, साथ के साथ आपके पेट के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है।
तले भुने मसालेदार खाना खाने से बचें, शारीरिक तासीर के अनुरूप खाना खाएं। आयुर्वेद में जिस तरह से बताया गया है वात पित्त कफ के अनुसार ही आप खाना खाएं। आपको जो चीज़ सूट करती है उस भोजन का ही आप सेवन करें। खाना भूख से थोड़ा कम खाएं और चबा चबा कर अच्छी तरह से उसका जूस बनाकर उसे खाएं। अच्छे से आराम भी करें। तेल की मसाज, गर्मियों में नारियल तेल और सर्दियों में सरसों के तेल की मसाज हफ्ते में एटलीस्ट एक बार अवश्य ही करें। अधिक से अधिक मुस्कुराएं। जितना ज़्यादा मुस्कुराएंगे त्वचा उतनी ज़्यादा चमकेगी। आशा है इन सब योगाभ्यास और टिप्स के द्वारा आप अपने सभी ज्ञान इंद्रियों को, स्पेशली त्वचा को खूबसूरत बनाएंगे। आने वाली वीडियोस में आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए सादर प्रणाम, आरोग्यवान भवतु।